हेलो एवरीवन, देखो बीएचयू का पेपर सॉल्व कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 71 स्टार्ट करेंगे, 70 तक कर लिए। तो 71 में क्या है, पूछा है नॉर्मल एरर कर्व इक्वेशन कैन बी गिवन एज। बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आपको याद होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। और रिपीट हो रहा है तो याद होना चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, जैसे ये जो एरर इक्वेशन होती है, अरे क्या हो गया, हाँ ये एरर इक्वेशन होती है, दैट इज वाई इज इक्वल्स टू 1/√2π e की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन में 2σ² और ऐसा किस में दे रखा है, देखो दिस इज ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट पहले लिखा हुआ है, 1 अपॉन में दिस इज अपॉन में सिग्मा इंटू 2π की का अंडर रूट। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो इसमें क्या है, सिग्मा आप सबको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन ठीक है, म्यू मीन है किसी भी चीज का, और बाकी सब तो पता ही है, एक्स एक पर्टिकुलर वैल्यू है। तो दिस इज द नॉर्मल एरर की इक्वेशन है, याद कर जाना, इस फॉर्म में भी दे सकते हो, ठीक है। तो इसका ए है, नेक्स्ट पे चलते हैं। Precipitation of the desired precipitate together with some soluble contaminants is known as, अरे यार आप सबको पता है कि precipitation of the desired precipitate, कोई एक desired precipitate है, उसका precipitation किसी चीज के साथ हो रहा है, with some soluble contaminants, मतलब कोई चीज जो soluble थी पर उसकी वजह से उसके साथ उसका precipitation होने लगा जबकि वो soluble थी, ठीक है, soluble है, is known as, आप सबको पता है co-precipitation बोलेंगे, co का मतलब साथ ही है ना, को कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन नहीं, कंटेमिनेट तो मतलब एक एक ही जो सॉल्यूशन है सोल्यूबल, वो तो कंटेमिनेशन थोड़ा एक का ही हो रहा है, पर इसके लिए पूछा है प्रेसिपिटेशन ऑफ डिजायर्ड प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट तो डिजायर्ड प्रेसिपिटेट का प्रेसिपिटेशन तो को प्रेसिपिटेशन ही कहलाएगा, ठीक है। कंप्लीट प्रेसिपिटेशन और को प्रेसिपिटेशन में तुम्हें क्या होना चाहिए था, कन्फ्यूजन होना चाहिए था, ये दोनों तो कैंसिल ही थे, ठीक है। तो इसमें को प्रेसिपिटेशन मतलब साथ है, टुगेदर का मतलब ही साथ है, इसके अंदर ही हिंट छिपा हुआ था, ठीक है। तो 72 का आंसर इज बी। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज ए टाइप ऑफ, अरे यार बहुत ज्यादा बार पूछ लिया है कि प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, 2D क्रोमेटोग्राफी इन्हीं को बोलते हैं, 2D क्रोमेटोग्राफी इन्हीं को बोलते हैं। मैं बता रहा हूं ना, एक भी एनालिटिकल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो रिपीटेड ना हो, इस बात को ध्यान रखना, फालतू में कहीं एनालिटिकल के लेक्चर के चक्कर में बीएचयू के लिए तो मत लगना, टाइम वेस्ट है, क्योंकि एनालिटिकल का सिलेबस बहुत बड़ा है और क्वेश्चन वही 4-5 रिपीट हो रहे हैं, इवन चेंज नहीं हो रहा है, वैल्यू तक चेंज नहीं हो रही न्यूमेरिकल्स में, तो आपको क्यों टाइम वेस्ट बर्बाद करना, इससे बड़े प्रीवियस ईयर लगा लो और आंसर याद कर दो तो टाइम भी बचेगा। देखो 2D क्रोमेटोग्राफी कौन कौन सी होती है, प्लेनर जिसको हम बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लेनर क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं, 2D का मतलब ही तो प्लेनर होता है, और इसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं, इसके एग्जांपल होते हैं TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, 2D में जिसमें 2D में मेरा वर्क करता है, मेरा क्या होता है, मेरे जो स्पॉट्स मूव करते हैं, ठीक है। तो दिस इज प्लेनर क्रोमेटोग्राफी इज TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, छोटी सी स्लिट होती है, सिलिका जेल रन कराते हैं या 3-3 डॉट लगाते हैं, ऊपर ऊपर जाता है, बहुत करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा TLC बनाते हैं, ठीक है, लगाते हैं मतलब। आओ कंसिडर, देखो ये रिपीट क्वेश्चन, फिर से रिपीट, और मजे की बात है इसमें वैल्यू तक चेंज नहीं है, वैल्यू तक चेंज नहीं है, और इसका आंसर 1.5 है, मुझे याद है हर बार से, ठीक है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का है कि 2 ग्राम ऑफ ब्यूटायरिक एसिड प्रेजेंट है 500 ml वाटर में, ब्यूटायरिक एसिड एक्सट्रैक्टेड विद 500 ml ईथर के साथ एक्सट्रैक्ट किया, तो वन टाइम एक बार एक्सट्रैक्ट किया, n की वैल्यू 1 है, या n की वैल्यू 1 है फॉर्मूले में, वेट ऑफ एक्सट्रैक्टेड ऑफ ब्यूटायरिक एसिड का वेट बताना है, तो आप सबको पता है कि W = W, ठीक है, KD into volume upon में KD into volume प्लस वॉल्यूम की पावर n, n इज द टाइप ऑफ टाइम, कितनी बार एक्सट्रैक्शन, मतलब ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन है बेसिकली, कितनी बार एक्सट्रैक्शन किया, KD मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है, वे W मेरा कितना ब्यूटेरिक एसिड प्रेजेंट है जिसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, W मुझे स्मॉल W जो है वो मुझे वेट बताना है एक्सट्रैक्टेड का, ठीक है, और V वॉल्यूम है, तो आप सबको पता है W मुझे निकालना है, कैपिटल W मुझे गिवन है 2 ग्राम, V मुझे गिवन है 500 ml, ये ml में पुट करते हैं, n की वैल्यू 1 है, KD की वैल्यू कितनी रखी है 3.0, सब की वैल्यू पुट कर दो, 2.0
इंटू के डी की वैल्यू कितनी है 3.0 इंटू 500 ml अपॉन में 3.0 इंटू 500 प्लस v 500 इसकी पावर 1। तो देखो यहां से w इज इक्व टू 2.0 मूवी 5 × 15 1500 × 2000 ठीक है। देखो ये 5 × 15 + 500 = 2000 इससे 1, 2, 3, 4, 5 × 15 = 5, 6, 20 दो से दो बार 2 से ये 1.5 टाइम्स। तो यहाँ से W की वैल्यू कितनी आएगी 1। मैं तो बता रहा हूँ ना, मुझे याद इसका आंसर तक याद था, इतनी बार रिपीट हो गया है। और मजे की बात है इसमें ना, इसमें वैल्यू तक चेंज नहीं कर रहा वो, तो आपको आप समझ सकते हैं प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंस। ठीक है 74 नेक्स्ट पर चलते हैं। Among the following, which one reacts selectively with vicinal diol? Vicinal diol मतलब VC मतलब का A, आसपास के adjacent कार्बन पर OH। Geminal का मतलब होता है कि अगर एक ही कार्बन पर दो H लगे होते हैं, ठीक है? तो vicinal diol है और इसका selectively react करेगा, सिर्फ इसी से react करेगा। देखो iridochrome black tea EBT is an indicator, metal titration वगैरह में use होता है, metal complex metric titration में नहीं, oxime नहीं, 2-2-2-ethane-1-2-dinitro tetraacetic acid ऐसा कुछ नहीं है, acetic acid है, किसी से भी react कर सकता है, ये तो base से किसी से भी react कर लेगा, ये तो इतना अच्छा base भी नहीं है। Malaparade, ये repeated question है, Malaparade ही है, क्योंकि ऊपर वाले तीन नहीं कर रहे तो Malaparade कर रहे हैं, और आपको समझ में आ जाएगा अगर मैंने इसका नाम बता दिया तो। इसका नाम HIO4, जनरली पर आयोडिक एसिड को ही Malaparade बोलते हैं, पर आयोडिक एसिड को Malaparade बोलते हैं, और अभी आपने सीखा ही थे ऐसे केस में HIO4 ऑक्सीडेटिव क्लेज बेस करा देता है। ठीक है, ये हो गया, इसके केस में हो गया, इसके केस में हो गया, इन सब में ऑक्सीडेटिव क्लीवेज HIO4 कराता है, तो आपको पता है Malaparade इज द करेक्ट आंसर विशिनल डायोल के केस में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर था, बहुत इजी था। नेक्स्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि इजी था, तुमने कर लिया क्या करा, मैं अगले वालों के लिए समझा रहा हूँ, जो उन्होंने दिया था उनके तो कोई मतलब नहीं, अगले वालों की तुम्हें कैसे करना है। ठीक है, ये कोई मैं उन्हें चेक कराने के लिए नहीं कर रहा सॉल्व, ये कि जो पेपर दिया है या उन्हें चेक करना है कि मैंने कैसा किया, ये तो अगलों के लिए है, तुम्हें प्रैक्टिस में कैसे करना है, तुम ट्राई कर रहे हो तब कैसे करना है, आगे क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है। ठीक है, 76 अमंग द फॉलोइंग, बहुत ज़्यादा रिपीट है, रिपीटेड है, रिपीटेड है, याद रखेंगे रिपीटेड है। अमंग द फॉलोइंग विच वन कैन बी कॉल्ड एज ppm, 1 ppm किसके इक्वल होता है, आप सबको पता है दिस इज मिलीग्राम पर लीटर के इक्वल होगा, मिलीग्राम पर लीटर के इक्वल होगा 1 ppm। अगर 1 ppb पूछ ले पार्ट्स पर बिलियन, दैट इज 1 microgram पर लीटर के इक्वल होगा। ठीक है, माइक्रोग्राम पर लीटर के इक्वल होगा, इसको बाद को याद रखेंगे। ओके, देखो और 1 ppt पूछ ले पार्ट्स पर 1000, ठीक है, तो दैट इज आप याद रखेंगे ग्राम पर लीटर के इक्विवेलेंट होगा, ये सब याद रखेंगे। ये ppb भी पूछा गया है, ppm तो कई बार पूछ लिया। देखो कैसे होता है, ppm का मतलब 10^6 है, तो देखो 1 ppm मतलब मिलीग्राम पर लीटर, लीटर इज इक्विवेलेंट टू बेसिकली, अगर मैं इसको वेट में ही कन्वर्ट करूँ डेंसिटी 1 मानकर, ठीक है, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1000 ग्राम के इक्वल मानना पड़ेगा, दैट इज 1 kg 1 liter मतलब 1 kg। ठीक है, अब 1 mg में कितने, इसको अगर मैं ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करूं तो मिलीग्राम अपॉन में 1 mg अपॉन में 1000 × 10^3 mg। ठीक है, तो मिलीग्राम से मिलीग्राम करके दैट इज 1/10^6, तो ये दिस इज मतलब 10^-6 मतलब 10^-6 इधर आ गया, क्योंकि नीचे 10^6 है तो -6, तो मतलब इतने पार्ट्स 1/10^-6 का मतलब है कि ppm, इसका मतलब ही तो है पार्ट्स पर मिलियन, एक पार्ट में 10/6। देखो ppm की डेफिनेशन भी होती है कि 1 mg ऑफ सॉल्यूट इन 1 liter सॉल्यूशन, 1 mg ऑफ सॉल्यूट, 1 mg ऑफ सॉल्यूट इन 1 liter। ठीक है, 1 mg ऑफ सॉल्यूट इन 1 liter। ठीक है, इसे ऐसे भी कर सकते हैं, और इससे पीछे लिख लो 1 ppm इज इक्वल टू मिलीग्राम पर लीटर, दैट इज मिलीग्राम पर किलोग्राम, क्योंकि लीटर के कौन इक्विवेलेंट किलोग्राम होता है, अगर वेट में अगर मैं डेंसिटी 1 मानकर चलूँ तो बेसिकली। ठीक है, आगे बात समझ में, उससे भी कर सकते हैं, लीटर को डेसीमीटर क्यूब में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको, ppb को भी याद रखेंगे, बाकी अगले पे चलते हैं। ये भी रिपीट है, फिर से रिपीट 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 रिपीट। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन ऑफ बी एल लैम्बर्ट लॉ, बी एल लैम्बर्ट लॉ इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू सी इनटू एल। ठीक है,
और आपको पता है A is equals to minus of log T, और यही पूछा था VL Lambert law में T। और इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, ये भी पूछा है, देखो जो ये परसेंटेज वाले में दे रखे ना, इनमें सब रिलेशन गलत है, इसका ये सही रिलेशन ही होता है, 2 माइनस लॉग ऑफ परसेंटेज टी। पिछली बार ये क्वेश्चन था 2018 में, ठीक है, तो 2 माइनस लॉग ऑफ परसेंटेज टी भी हो सकता था। नेक्स्ट पे चलते हैं, 2018 में इस तरह से पूछा था, 2018 में। नेक्स्ट, फाइंड आउट द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, प्रिसीजन मे बी एक्सप्रेस्ड एज इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एरर। देखो प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, कि प्रिसाइज मतलब नियर अबाउट बेसिकली, तो वो रिलेटिव एरर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, मुझे तो नहीं लगता। प्रिसीजन एक्सप्रेसेस द प्रोसेबिलिटी ऑफ ए मेजरमेंट, बिल्कुल डेफिनेटली, कि प्रिसीजन बता देता है, प्रिसाइज बताता रहा है कि कितनी बार मेरी जो जनरली मेजरमेंट है वो रिप्रोसिबिलिटी का फंक्शन है, कि बार बार रिप्रोड्यूस होएगा क्या नहीं। ऑल प्रिसाइज मेजरमेंट्स मे नॉट बी लीड टू एक्यूरेट रिजल्ट, जरूरी थोड़ा ना है कि सारी की सारी प्रिसाइज वैल्यू एक्यूरेट भी हो। सही बात है, ये बात सही है, ये बात भी अभी तक सही लगी मुझे, ठीक है। तो बी एंड सी दोनों, अच्छा डी भी देखना, एक्यूरेसी एक्सप्रेसेस द करेक्टनेस ऑफ ए मेजरमेंट, बिल्कुल सही बात है, एक्यूरेसी करेक्टनेस को ही तो बताती है। अरे ये तो कॉमन सेंस वाले हैं, बिल्कुल, मतलब कि आपको थोड़ी सी इंग्लिश का मतलब भी समझ में आता है ना, एक्यूरेसी क्या है, करेक्टनेस को तो बताती है कि मेरा मेजरमेंट कितनी करेक्ट है, तभी तो मैं उसे एक्यूरेट बोलता हूँ, तो एक्यूरेसी है। तो बी सी डी करेक्ट है, तो ए तो इनकरेक्ट है ही है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। प्रिसीजन मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ रिलेटिव एरर, नहीं, डेफिनेटली प्रिसीजन एब्सोल्यूट एरर के टर्म में डिफाइन हो सकता है, ठीक है। यूज ऑफ फॉल्टी इक्विपमेंट विल लीड टू, अरे यार बहुत बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो फॉल्टी इक्विपमेंट है, तो आप सबको पता है कि ये मेरी सिस्टम की एरर को जनरेट करेगा, सिस्टम एरर को जनरेट करेगा, या इसको बोल सकता हूं मैं सिस्टमेटिक एरर को जनरेट करेगा, सिस्टम के द्वारा बनाई गई एरर, सिस्टम की एरर है, मतलब सिस्टमेटिक एरर मतलब डिटरमिनेट, क्योंकि डिटरमिनेशन वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, तो डिटरमिनेट एरर है। किस टाइप की एरर होती है, सिस्टम फॉल्टी हो तो डिटरमिनेट एरर, मतलब इक्विपमेंट फॉल्टी हो तो, रिपीट है शायद ये भी, नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा रिपीट, हद रिपीट, हर बार पूछा जाता है, किसी बार स्ट्रक्चर देकर तो किसी बार नाम देकर। क्लोरामाइन टी का स्ट्रक्चर ये है, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है कि क्लोरामाइन टी का है, पैरा पर, ठीक है, ये सीएल नहीं लगा होगा इस पर, ध्यान रखना सीएल एन पे लगा होता है, एन सीएल और एक एन, ठीक है, एन ए यहाँ लगा होगा, एस ओ, ये याद रख के जाना, ठीक है, इसको ध्यान रखना, यहाँ सी एच थ्री ग्रुप होगा पैरा पर, और एस डबल बोन ओ ओ, और एन सी एल और एन ए, ठीक है, ये याद रखे ना जाना, प्लीज़ याद रखे जाना, क्लोरामाइन टी का हर बार पूछ रहा है, इसमें बताने वाला कुछ नहीं था। 81 पे मूव करते हैं अगले उसमें लेक्चर में।